Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का अलजेब्रा का सेकंड लेसन वर्ग समीकरण का एक्सरसाइज 2.1। इंग्लिश मीडियम के लिए हमने 2.1 से लेकर 2.6 तक जितनी भी एक्सरसाइज की वीडियोज़ वगैरह हैं सब हमने अपलोड कर दिया। आज हम हिंदी मीडियम के लिए करने वाले हैं 2.1। 2.2 से लेकर 2.4 की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है जो हिंदी मीडियम के लिए है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टू पॉइंट वन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं वर्ग समीकरण किसे कहते हैं। वर्ग समीकरण वह समीकरण होता है जिसका स्वरूप इस तरह हो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस रूप में हो जहाँ पे एक ही वेरिएबल, जहाँ पे एक ही चरांक का, जे भाई जहाँ पे एक ही चरांक का यूज़ हो। जैसे यहाँ पे चरांक क्या यूज़ किया गया है, x, एक ही चरांक का यूज़ हो और उस चरांक का जो सबसे बड़ा घात है दो होना चाहिए। दो कंडीशन में देखना है, पहले एक ही चरांक होना चाहिए और दूसरा उस चरांक का जो सबसे बड़ा घात है कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो ऐसा एक दो एग्जाम्पल मैं लिख के आपको बता देता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, यह भी यहाँ पे वर्ग समीकरण है क्योंकि यहाँ पे एक ही चरांक x यूज किया गया और उसका सबसे बड़ा घात कितना है, दो है। ऐसे एक और बता देते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस या प्लस ही रख दीजिए प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये भी हमारा क्या है, देखिए एक ही चरांक y यूज़ किया गया है और यहाँ पे उसका बड़ा सबसे बड़ा घात कितना है, दो है। कहीं भी अगर किसी भी समीकरण में अगर वहाँ पे जो का चरांक दिया है और उसका घातांक अगर दो है तो वर्ग समीकरण वह रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2.1 में जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। पहला क्वेश्चन है, कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। तो आप कोई भी दो वर्ग समीकरण लिख सकते हैं, वहाँ पे चरांक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ए टू जेड तक कोई भी चरांक आप ले लीजिए और लेकर के लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी दो आपको एग्जाम्पल में बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से वर्ग समीकरण हैं, मतलब कुछ समीकरण दिए हैं वह हमें बताना है वर्ग समीकरण है या नहीं है, मतलब कौन से वर्ग समीकरण हैं। तो यहाँ पहला हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, देखिए यहाँ पे चरांक कितना यूज़ किया गया है, केवल एक ही चरांक यूज़ किया गया है और चरांक का सबसे बड़ा घात कितना है, दो है, मतलब यह वर्ग समीकरण है। तो आपको यहाँ लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 यह वर्ग समीकरण है क्योंकि यहाँ पे एक ही चरांक यूज किया गया है, एक ही चरांक है और उसका सबसे बड़ा घात कितना है, दो है। इस तरह लिख के हमें बता सकते हैं कि यह वर्ग समीकरण है। चलिए दो तीन सवाल और है, मैं आपको करके बताता हूँ जो इसमें आपकी टफ लगता है। अगला जो हम सवाल ले रहे हैं दूसरे का, इसमें बताना वर्ग समीकरण है कि नहीं। वर्ग समीकरण करने के पहले आप जो भी समीकरण दिया है उसको पहले उसके सामान्य स्वरूप में लिखिए, यह हमारा सामान्य स्वरूप है। इस रूप में करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि वर्ग समीकरण है कि नहीं है। इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी सब ये क्या है, अचरांक है और एक्स हमारा क्या है, चरांक है जिसका सबसे बड़ा घात क्या है, दो है। इसको सामान्य स्वरूप या तो मानक स्वरूप भी बोलते हैं, एग्जाम में एक मार्क्स के लिए आता है कि आप दिए गए समीकरण को मानक स्वरूप में लिखो और ए बी सी का मान भी लिखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल बताना है कि वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो इसको हम पहले मानक स्वरूप में करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें वाई को हटाना है क्योंकि एक बटे वाई है, तो y को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सब जगह y से गुणा कर देते हैं क्योंकि भाग है तो गुणा करेंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y घाते 3 हो जाएगा, y के घन जिसे बोलेंगे, और यहाँ y कैंसिल, क्या बचेगा केवल 1 इज इक्वल 2 का y में करेंगे कितना हो जाएगा 2y। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं, y घाते 3 यहाँ पे आएगा इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्वरूप में नहीं क्योंकि यहाँ पे घाते कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैंने बोला था कि वर्ग समीकरण में सबसे बड़ा घात कितना होता है, केवल 2 होता है, तो यह वर्ग समीकरण हमारा नहीं है। इसका आप रीजन क्या लिखेंगे,
कि यहाँ पे एक ही चरांक है लेकिन उसका सबसे बड़ा घात दो नहीं है, हमें समीकरण का घात कितना चाहिए, दो चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे एक ही चरांक वाई है जिसका सबसे बड़ा घात दो नहीं है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। नेक्स्ट वाला एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इसको स्वरूप में करने के लिए पहले एक्स का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करने का, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वाली वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, इसको इस साइड लेके आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस साइड आया तो क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, प्लस में प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये हमारा स्वरूप में हो गया, इसका सबसे बड़ा घात कितना है, दो है, मतलब यह वर्ग समीकरण है। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे समीकरण का एक ही चरांक है एक्स और उसका सबसे बड़ा घात कितना है, दो है, इसलिए वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट हमारा दिया है m प्लस टू एम माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करना हम सीख चुके हैं पहले क्लास पिछले वाली क्लासों में, इसको मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। पहले m का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, पूरे ब्रैकेट के साथ में करेंगे, फिर टू का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ में, m का m में साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, एम का फाइव में करेंगे कितना होगा फाइव एम, इस तरह टू का m में करेंगे कितना होगा टू एम, और टू का फाइव में करेंगे तो टेन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर फाइव में से टू माइनस करना है कितना आ जाएगा थ्री, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस में माइनस थ्री एम माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए एक चरांक m का यूज़ किया गया और उसका सबसे बड़ा घातांक कितना है, दो है, ये भी वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में हमें केवल बताना था कि वर्ग समीकरण है या नहीं है, तो आपको एक लिख के यहाँ पे सॉल्व करके थोड़ा अगर बताएंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा और आपको समझ में है कि नहीं है, ये मेन आपको ध्यान रखना है उसका सामान्य या तो मानक स्वरूप। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह है, निम्नलिखित समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस स्वरूप में लिखिए, मतलब मानक स्वरूप में लिखिए, उसके बाद तथा प्रत्येक के लिए ए बी सी का मान ज्ञात करिए। इस तरह के सवाल एग्जाम में एक मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब हमें जो भी समीकरण दिया रहेगा पहले उसको क्या है सामान्य स्वरूप बनाना है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो पहला वाला हम इसमें ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है वाई स्क्वायर होगा, उसके बाद वाई होगा, फिर विदाउट वाई, तो पहले हम इसको इस साइड लेके आएंगे क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा स्वरूप है उसमें पहले एक्स स्क्वायर वाला है, फिर एक्स वाला है, फिर विदाउट एक्स वाला है। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स दिया है, एम हो सकता है, वाई हो सकता है, तो हम सबसे पहले इसको लेने के लिए इस साइड लेके आएंगे, इक्वल के इस साइड आएगा तो उसका मार्क क्या होता है चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस इस साइड है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर और प्लस यहीं पर रहेगा प्लस टू वाई और ये 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। अभी हमारा सामान्य स्वरूप देखो बन गया वाई स्क्वायर वाई विदाउट वाई हो गया। अब इसको हम तुलना कर देते हैं और ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमने यही लिखा है, बट यहाँ पे वेरिएबल एक्स था हमारा और यहाँ पे हमने क्या है वेरिएबल हमारा वाई दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे वाई लिया, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर, तुलना करेंगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वाई स्क्वायर के सामने जो भी कोएफिशिएंट रहेगा जो भी गुणांक रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई वन और वाई का जो गुणांक है कितना है वाई के आगे गुणांक कितना है टू है, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू और लास्ट वाला जो है वो क्या हो जाएगा सी, मतलब ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू माइनस टेन। नेक्स्ट वाला देखिए दिया है ये भी हमारा स्वरूप में नहीं, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा स्वरूप में चेंज करना पड़ेगा, उसके पहले देखिए फार्मूला हमारा है x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको पता ही है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है और टू कैसे है फार्मूले में टू रहता है टू इंटू वन इंटू एक्स कर देंगे तो यही आएगा इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इन सबको इस साइड लाना है क्योंकि इक्वल के उस साइड में क्या होता है केवल जीरो होता है, सभी इधर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब कुछ लोग बोलेंगे टू एक्स कैंसिल नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये भी माइनस है माइनस है प्लस है, अगर दोनों का मार्क अगर सेम होता दोनों का मार्क सेम होता और दोनों इक्वल के इधर उधर रहते तो कैंसिल होते, पर दोनों इधर उधर हैं लेकिन दोनों का मार्क क्या है अलग अलग, इसे कैंसिल नहीं होगा माइनस टू एक्स रहेगा ये इधर आएगा तो माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, थ्री को इधर लेके आए माइनस थ्री हो गया, इसको यहाँ लेके आए ये भी माइनस टू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस जुड़ जाता है और थ्री माइनस वन इट विल बी टू, लेकिन बड़ा नंबर माइनस ये कितना आएगा माइनस टू। अब देखिए स्वरूप में हो गया हमारा
स्वरूप में अगर तो तुलना कर देंगे, अब इसको आप खुद करिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, किससे तुलना करेंगे, हमारा जो समीकरण है सामान्य स्वरूप उससे लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी होगी बताइए, ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1, बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के आगे कितना है 4 है, 4 नहीं माइनस 4 लेना है उसको, और सी की वैल्यू माइनस 2। नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। सबसे पहले मैं इसे स्वरूप में लिखना है, तो इक्वल के उस साइड क्या रहता है, कुछ भी जीरो रहता है, तो सबको इस साइड ले लेना है, सबको इस साइड ले लेते हैं, 3m² माइनस 2m², यहाँ पे आया तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3m² में से 2m² माइनस कर दें कितना बचेगा ओनली 1m², बट 1 हम लिखते नहीं है डायरेक्टली, हम क्या लिखेंगे m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ m² है बट m वाला नहीं है, बीच वाला नहीं, तो हम उसके अपने मन से क्या लेंगे 0m लेंगे, क्योंकि 0 इंटू m क्या होगा 0 ही होगा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये हमारा स्वरूप बन जाएगा m² प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब तुलना कर देंगे, किससे तुलना करेंगे सामान्य स्वरूप से, सामान्य स्वरूप के हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे हम तुलना करते समय क्या लिखेंगे am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू क्या होगी बताइए, a की वैल्यू हमारी 1, b की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड c की वैल्यू 9। नेक्स्ट हमारा है p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ पे क्या है p का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में है, तो हम p का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में कर देते हैं, p का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3p प्लस 6 का p में करेंगे 6p का p में करेंगे तो 6p² इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5 को इधर लाना है, और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा घात पहले रहता है, तो हम पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखते हैं, तो 6p² प्लस 3p और माइनस 5, इधर 5 है इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सामान्य स्वरूप बन गया हमारा, जैसे सामान्य स्वरूप बन गया इसको हम तुलना कर देंगे अपने सामान्य स्वरूप से, कैसे ax² लेंगे, यहाँ x नहीं यूज़ करना बल्कि p, ap² प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6, बी की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इस समीकरण का मूल है क्या निश्चित करिए, मतलब यहाँ पे वर्ग समीकरण दिया गया है और यहाँ पे चर का मान दिया गया है, m का मान कितना, एक बार 2 दिया है, m का मान एक बार 5/2 दिया गया है, यह बताना है कि यह इसका मूल है कि नहीं है। मूल होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यह जो मान है हमें m का मान एक बार 2 एक बार 5/2 रख के चेक करना पड़ेगा, इसमें अगर इसमें हम रखते हैं और अगर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है, मतलब जो राइट हैंड साइड अगर उसके इक्वल हो जाती है तो उसका मूल है, और नहीं होती है तो उसका मूल नहीं है। तो एक मैं ये करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला नहीं कर रहा हूँ, दूसरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग के थोड़ा टफ हो सकता है, पहला आप खुद ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस समीकरण में हम m की वैल्यू कितना रखते हैं 2, तो लिखेंगे m = 2 रखने पर, कहाँ पर रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रखना है, राइट साइड में नहीं रखना, राइट साइड में केवल 0 है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2m² माइनस 5m, चलिए रख देते हैं m की जगह क्या रखना है 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 टू जा 10, ये कितना 8 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस 2 आया। देखिए LHS जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई -2, इसके इक्वल आई गया नहीं, मतलब यह उसका मूल नहीं है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए m इज इक्वल टू 2 वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। नेक्स्ट अब हम दूसरा देखते हैं, मूल नहीं आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, अब दूसरे वाले में हमें क्या करना है, बताना है 5/2 मूल है कि नहीं, फिर से हम यहाँ लिखेंगे m = 5/2 रखने पर, कहाँ पे रखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही केवल रखना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2m² माइनस 5m, यही है, 2 की जगह 2 रखेंगे, m² मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 5/2 2 एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस, ये 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, नीचे नहीं होगा, 5 का 5 गुणा 5 25 25 माइनस
सॉरी बटे में टू। यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है दो से चार, तो नीचे क्या बचेगा, दो बचेगा। तो 25/2 माइनस 25/2, 25/2 में से 25/2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। ये इक्वल आया कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना है, जीरो, और वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, मतलब इसका हल है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसीलिए m इज इक्वल टू 5/2 वर्ग समीकरण का मूल है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड वाला था वो समझा दिया, फर्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कुछ इस तरह क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्टिविटी बेस है, आप उसको खुद ट्राई करिएगा। पांचवा मैं आपको करके बताता हूँ, दोनों सेम है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछा भी जाता है। देखिए कुछ इस तरह है, x इज इक्वल टू 3 है जी, x बराबर 3, यह के एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दे दिया गया है कि x बराबर 3 यह समीकरण का मूल है। अगर मूल है तो वह क्या करता होगा, उस समीकरण का समाधान या संपुष्टि करता होगा, उससे वह समीकरण क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण है उसमें हम क्या रखते हैं, x का मान रख देते हैं, k की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मूल कितना 3 दिया हुआ है। अब हम समीकरण लिखें, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण है। उसी समीकरण में हमें x का मान कितना रखना है, 3 रखना है। तो k फिर 3 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। लेकिन 9 को हम पहले लिखते हैं, कभी भी जो अचरांक रहता है वो आगे रहता है, चरांक पीछे रहता है। तो 9 के माइनस यहाँ पे 3 का 10 में गुणा करें, 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9 के एज इट इज रहेगा, इसमें माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 30 में से 3 गया 27, देखिए बड़ा नंबर क्या है, माइनस, इसे माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको उस साइड भेजते हैं, 9 के इज इक्वल टू 27, क्योंकि यहाँ माइनस था उस साइड गया, क्या हो जाएगा प्लस। अब k की वैल्यू निकालनी है, 27/9, 9 का k के साथ गुणा था उधर गया तो भाग, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे हमने k का मान निकाल दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5वां हमने कर दिया, 6वां आप खुद से ट्राई करिए, वो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.1 हमने एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी पूरी वीडियो अगर आपको देखनी है यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे हमने वर्ग समीकरण का एक्सरसाइज 2.1 आपको समझा दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।